इसके पहले हमने से रिलेशन एंड फंक्शंस में रिलेशन का डेफिनेशन देखा है और फंक्शन का भी डेफिनेशन हमने देखा है ना। फंक्शन फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन इज आल्सो ए रिलेशन, बट लेकिन वो कैसा रिलेशन होता है जिसमें पहले सेट का एलिमेंट किसी एक के साथ में रिलेट होता, एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ में एसोसिएट नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, पहले सेट में के सारे एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। हाँ, भले ही पहले सेट में के दो एलिमेंट एक के साथ में एसोसिएट या मैप हो सकते हैं, लेकिन पहले सेट में का एक जो है दोनों के साथ में या तीनों के साथ में मैपिंग या एसोसिएशन उनका नहीं हो सकता है। तो ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन के सेट में जो ऑर्डर पेयर्स आते हैं उसमें पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ही उस टाइप के रिलेशंस को हम फंक्शन कहते हैं, अदरवाइज इट विल बी सिंपली ए रिलेशन। तो हमने फंक्शन देखा है, फंक्शन डिफरेंट प्रकार के होते हैं। अभी जैसे हमने पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल देखा क्लास 9 में, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 9, दिस इज पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल फंक्शन ही है एक प्रकार का। मीन्स एक्स की वैल्यू रखो तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी, जो आप एक्स रखोगे वो डोमेन होगा, जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी वो आपका उसका रेंज होगा, इमेज होगा उस एक्स का, है ना, बस उसी के जैसा है पॉलिनोमियल के जैसा। अभी यहां पर भी फंक्शन के बाद में हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस देखेंगे और उसके ग्राफ्स देखेंगे, ठीक है ना। तो उसमें का सबसे पहला जो फंक्शन है वो है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जैसे आपको दिया है वाई इक्वल्स टू एक्स, वाई मीन्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है, वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये वाला फंक्शन है। मीन्स वाई और एक्स समान है, एक्स इक्वल टू वन रखो वाई इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू रखो वाई इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू थ्री रखो वाई इक्वल टू थ्री, सो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये वाले पॉइंट्स इस लाइन पर आएंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया है, दिस ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का ये ग्राफ है। इसको हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, लेट कैपिटल आर भी हमेशा रियल नंबर का सेट होता है, बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स का ये कैपिटल आर सेट है। डिफाइन डिफाइन द रियल वैल्यूड जब मैं यूज करता हूं तो इसका मतलब उसका रेंज जो है वो रियल नंबर है, रियल वैल्यूड फंक्शन। फंक्शन फंक्शन को लिखेंगे कैसा है, फंक्शन है कहां से कहां तक है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, पहला सेट भी रियल नंबर का है दूसरा सेट भी रियल नंबर का है। बाय फंक्शन क्या है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मीन्स वाई इक्वल्स टू एक्स, है ना, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग। आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वाला या वाई इक्वल टू एक्स वाला। हियर द डोमेन एंड रेंज, हियर द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन
एंड द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलती है आपको, है ना, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो वाई इक्वल टू एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जैसे के है, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी ले लेते, इसमें एक्स जो है दैट बिलोंग्स टू ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना, वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट, वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट, सी जो नंबर है वो कॉन्स्टेंट है, एंड ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। हियर डोमेन ऑफ एफ इज, हियर डोमेन ऑफ एफ इज, डोमेन ऑफ एफ कितना रहेगा, आर आर, एंड आप वाई इक्वल्स टू जैसे थ्री है तो एक्स तो यहां पे है नहीं, इसलिए एक्स आप कोई भी रखो रियल नंबर, वाई हमेशा थ्री ही मिलेगा, एंड इट्स रेंज इज सी, सी जो नंबर है कॉन्स्टेंट, रेंज इज हमेशा सी ही रहेगी, इसमें के 1 2 3 4 इसमें अगर सी एक नंबर तो सारे के सारे इसी के साथ में रहेंगे, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू, एक्स कोई भी नंबर रखो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा सी ही रहेगा, इस टाइप का फंक्शन। तो ये ग्राफ निकालते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट। अभी यहां पर सपोज यहां पे सी पॉइंट है, यहां पर अगर सी पॉइंट है तो हमेशा वाई कोऑर्डिनेट आपको सी ही मिलेगा इस लाइन पर, चाहे फिर एक्स वन ले लो तो भी वन सी, टू ले लो तो भी यहाँ पे पॉइंट टू सी, थ्री ले लो थ्री सी, माइनस वन लेंगे तो माइनस वन सी, तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा सी ही मिलेगा। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है इसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहलाते हैं। ये जो फंक्शन लाइन है वाई इक्वल टू सी की लाइन है, ओके। सो दिस इज ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी का, है ना, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर अगर है तो इस टाइप के फंक्शन को हम कॉन्स्टेंट फंक्शन कहेंगे। इसका डोमेन जो है x की वैल्यू देखो, x कोऑर्डिनेट
कोई भी हो सकता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, कुछ भी रखो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई हमेशा सी ही रहेगा, रेंज जो है उस फंक्शन की वो कांस्टेंट सी ही रहेगी। एक्स कोऑर्डिनेट कोई भी ले लो, अगर मैं यहां पर भी लेता हूं तो यहां का पॉइंट देखो जैसे माइनस फोर और सी आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सी है सपोज, तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा सी रहेगा, इसलिए वाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, इसलिए इस फंक्शन को कहेंगे हम कांस्टेंट फंक्शन। समझ में आया है? आई बात समझ में? हाँ, तो कितने टाइप्स हो गए, कितने टाइप्स हो गए, दो। पहला कौन सा था? पहला आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा कांस्टेंट फंक्शन, तीसरा देखते हैं अभी पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आपने नाइन्थ क्लास में देखा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। पॉलिनोमियल था ए फंक्शन या फ्रॉम आर टू आर, इसका डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर का सेट है, इस सेट टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन, इस सेट टू बी ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना। कब कहेंगे? इफ फॉर ईच एक्स, इफ फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू आर, कोई भी एक्स ले लो रियल नंबर के सेट में से, वाई इक्वल्स टू मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, पॉलिनोमियल कैसा होता हमारा, ए जीरो प्लस ए वन एक्स रेस टू द पावर वन प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन एक्स रेस टू द पावर एन, इस टाइप का जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते, पॉलिनोमियल कहते। ये एन कैसे होना चाहिए, ये एक्स का जो पावर है हमेशा, एक्स का पावर मीन्स एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव छोड़ के होना चाहिए, जीरो चलेगा। तो एन इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर, ऐसे जो इंटीजर्स है वो होना चाहिए, वेयर वेयर एन इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव नंबर छोड़ के, जीरो चलेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स। एंड ये जो कोएफिशिएंट्स है ये जीरो ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, ये जो कोएफिशिएंट्स है और ये कांस्टेंट नंबर है ए जीरो, ये कोई भी रियल नंबर चलेगा, कब रूट टू रूट थ्री या वन टू थ्री, कोई भी नंबर चलेगा, कोएफिशिएंट कोई भी चलेगा रियल नंबर, लेकिन एक्स का जो पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी हम इस टाइप के अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं, सो दैट विल बी पॉलिनोमियल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब इसमें से सभी के सभी टर्म होना जरूरी है, कुछ सिलेक्टिव टर्म भी मैं ले सकता हूं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस टू, ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया है ना। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू दी पावर फोर प्लस रूट टू इंटू एक्स, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स का पावर थ्री टू, यहाँ पे एक्स का पावर जीरो है, थ्री टू जीरो है तो चलेगा, यहाँ पे फोर एक्स का पावर वन है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है एक्स का पावर, तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन तो बहुत सारे हैं, अभी एक्स का पावर कितना है उस पे पॉलिनोमियल अलग अलग होते, उसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री हमने देखी क्लास नाइन्थ में है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं राइट। उसके बाद में हम उसके टर्म्स के आधार पे भी देखे पॉलिनोमियल के प्रकार, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, याद आ रहा है आप लोगों को कुछ नाइन्थ क्लास का? हाँ, तो अभी हाँ तो अभी अभी बहुत डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल से, तो डिफरेंट डिफरेंट उसके ग्राफ भी होंगे, तो उसमें से एक छोटा सा एक पॉलिनोमियल लेता हूँ मैं और उसका ग्राफ देखता हूँ मैं, ठीक है ना।
एक छोटा सा पॉलिनोमियल ले लो, ड्रॉ द ग्राफ, डिफाइन द फंक्शन, डिफाइन द फंक्शन, डिफाइन द फंक्शन या फ्रॉम आर टू आर बाय वाई इक्वल टू मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये भी पॉलिनॉमियल है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर मीन्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, वेर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स कोई भी रियल नंबर के सेट में से ले लो। कंप्लीट द टेबल या ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस अबाउट फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ निकालो। व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज और डोमेन क्या होगी वो आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, कुछ पॉइंट्स, अभी ग्राफ निकालना है तो पॉइंट्स भी चाहिए मुझे। तो सपोज कुछ पॉइंट्स लेता हूं मैं, ठीक है, ज्यादा लेना पड़ेगा कोई बात नहीं, ये एक्स, ये वाई और ये आपका एक्स वाई हो जाएगा पॉइंट, है ना। तो ज्यादा पॉइंट लेना है तो और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलो और इसको थोड़ा सा और मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये देखो ये ऐसे, चलो यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे वाई लेते हैं, फिर पॉइंट बनेगा एक्स वाई, फिर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हियर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, ये फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वेयर मीन वाई इक्वल टू एक्स। चलो एक्स इक्वल टू माइनस टू रखो, माइनस टू रखो तो कितना आंसर आएगा, माइनस टू का 4 आएगा, वेरी गुड। तो पॉइंट क्या होगा, माइनस टू 4 बराबर है, माइनस वन रखा तो क्या होगा, वन आएगा, पॉइंट कौन सा होगा, माइनस वन वन बराबर है, जीरो रखा तो जीरो आएगा, पॉइंट कौन सा होगा, जीरो जीरो, वन रखा तो वन आएगा, पॉइंट कौन सा होगा, वन वन, टू रखा तो फोर आएगा, पॉइंट कौन सा होगा, टू फोर, है ना, इस तरह से। थ्री रखा तो नाइन आएगा, पॉइंट हो जाएगा 3 9, समझ में आ गया। हाँ अभी मैं इसका ग्राफ लेता हूँ, ये जो फंक्शन है हमारा इसका ग्राफ कैसे आता भाई, हम देखते हैं अभी। चलो तो यहां पर ये ऐसा, ठीक है, अभी यहां पर सपोज वन है, टू है, थ्री है, यहां पर अरे ये, हाँ ठीक है, यहाँ पर माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री है और जीरो है। अभी देखो माइनस टू रखा तो फोर आता है, माइनस टू रखा तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर, माइनस टू अगर रखता हूँ तो फोर आता है, ठीक है ना, माइनस वन रखता हूँ मैं, माइनस वन तो वन आता है, ठीक है, जीरो रखता हूँ तो जीरो आता है, वन रखता हूँ तो वन आता है, टू रखता हूँ तो फोर आता है, ऐसा। तो इसका मतलब इजीली अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर देखिए ये आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, और इसको एरो दे दो ये बढ़ता रहेगा आगे आगे। तो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बराबर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये उसका ग्राफ है, राइट समझ में आया। हाँ आता दूसरा कि तुम्हें एक्स क्यूब, ये भी पॉलीनोमियल फंक्शन है, एक्स क्यूब का निकालते अभी। चलो एक्स क्यूब यहाँ पे पॉइंट चेंज करो, अभी माइनस टू तो माइनस एट तो बहुत बड़ा होगा, अभी मैं दो इतने बड़े पॉइंट नहीं लेता, मेरे पास में ग्राफ पेपर तो है ही नहीं यहाँ पर। तो चलो चलो यहाँ पर माइनस वन ले लेते हैं, तो ये माइनस वन आएगा, माइनस वन का क्यूब
एक्स इक्वल टू माइनस वन रखो तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन आ जाना, तो माइनस वन माइनस वन, जीरो ले लेते हैं तो जीरो आएगा, 0.00 बराबर है। माइनस टू रखा तो माइनस एट आएगा, नहीं क्या? तो ठीक है माइनस टू भी लेते हैं, माइनस एट आएगा, तो माइनस टू माइनस एट। एक काम करते पहले प्लस वन ले लेते ना, प्लस वन, वन लिया तो वन आएगा, पॉइंट इज वन वन, ठीक है। फिर माइनस टू ले लो, माइनस एट, माइनस टू का क्यूब, पॉइंट माइनस टू माइनस एट, और प्लस टू लिया तो क्या होगा, प्लस टू लिया तो माइनस एट ही आएगा, सॉरी सॉरी, प्लस टू में प्लस एट आएगा तो पॉइंट क्या होगा, टू एट, बराबर है। अभी इसका ग्राफ निकालते हैं, चलो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ निकाल रहे हैं हम, याद रखना y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन और माइनस एट, और यहाँ पे ले लेते हैं वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, एक्स एक्सिस से ये वाई एक्सिस से। अभी देखो माइनस वन रखा, फंक्शन है मेरा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स के बदले में माइनस वन रखो तो एफ ऑफ माइनस वन, तो माइनस वन का क्यूब दैट इज माइनस वन, तो माइनस वन आता है, तो यहाँ पे माइनस वन है, इधर भी माइनस वन है, यहाँ पर जीरो जीरो, ये जीरो जीरो। माइनस टू रखा, माइनस टू तो माइनस एट आता है, इधर आता है, माइनस टू रखा तो माइनस, ये माइनस टू माइनस एट, वन रखा तो वन ही आता है, ये आता है, टू रखा तो एट आता है, ये टू एट, तो इसको ऐसा ज्वाइन करो अभी, देखो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा आपको, समझ में? हेलो, हाँ, तो हाँ जो ग्राफ है, हाँ है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब चा, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है ना, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा हमने, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब ये पॉलिनोमियल है, सिंपली एक्स क्यूब, तो पॉलिनोमियल पहला देखा हमने वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल, तो उसका ग्राफ देखा, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब उसका भी ग्राफ देखा है। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉलिनॉमियल्स हैं, तो अलग अलग उसके फंक्शन हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स आप बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, तो उसके अलग अलग ग्राफ भी रहते हैं, ठीक है ना, तो ऑल आर कॉल्ड पॉलिनॉमियल फंक्शन। अभी दूसरा देखते हैं हम, रैशनल फंक्शन कितना नंबर का है, ये चार नंबर का है, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन जैसे कि हमने रैशनल नंबर का डेफिनेशन देखा है पहले वाले क्लास में, क्या होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, हेलो, वेरी गुड, हाँ यस यस यस, वेरी गुड। इफ पी एंड क्यू आर एनी टू इंटीजर्स देन द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड रैशनल नंबर प्रोवाइडेड क्यू शुड नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तो उस फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में जो आपके नंबर्स बनेंगे वो सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, सिंपली फाइव दैट इज ऑल्सो रैशनल नंबर बिकॉज फाइव कैन बी रिटन एज फाइव अपॉन वन, है ना, जीरो अपॉन फाइव इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बट फाइव अपॉन जीरो इज नॉट ए रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे रैशनल फंक्शन जैसे वहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों रैशनल नंबर होना चाहिए, तो वैसे यहाँ पर न्यूमरेटर एक पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू। अभी देखो ऊपर का एक पॉलिनोमियल है, नीचे का एक पॉलिनोमियल है ना, तो अगर ऐसे एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है और ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो
इस टाइप का कंप्लीट जो ये आपका फंक्शन बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज रैशनल फंक्शन। इसको रैशनल फंक्शन कहेंगे प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स, ये जो डिनोमिनेटर का जी ऑफ एक्स फंक्शन है पॉलीनोमियल फंक्शन, वो जीरो नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में, रैशनल फंक्शन ए फंक्शन, हाँ ए फंक्शन ऑफ दी टाइप, कौन से टाइप का, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इस टाइप का, ऐसे वाले टाइप का है ना, वेर एफ ऑफ एक्स, वेर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये दोनों अलग अलग आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस है ऑफ एक्स, एक्स में के है ऑफ एक्स, डिफाइंड डिफाइंड इन ए डोमेन, उनका जो डोमेन होगा उस डोमेन में वो डिफाइंड है इन ए डोमेन, लेकिन जी ऑफ एक्स जो है दैट शुड नॉट बी जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे वाले फंक्शन को हम कहेंगे पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल तो सपोज ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन लेता हूं मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल वन अपॉन एक्स, तो ये वन जो है वन भी पॉलिनोमियल है, सिंपली वन जो है वन इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर जीरो ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, तो वन भी पॉलिनोमियल है और नीचे का एक्स भी पॉलिनोमियल है, तो इसलिए वन अपॉन एक्स जो बन गया ये रैशनल फंक्शन बन गया। तो इसका ग्राफ भी निकालते हम है ना, देयरफॉर हियर एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड ऑन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स, वेर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग एक एक्स कैसे नीचे का एक्स कैसा, सभी रियल नंबर है लेकिन जीरो को छोड़ के आर माइनस जीरो, ये जो है ना जीरो नहीं लेना है। तो एक्स कैसे लेंगे, हम सभी रियल नंबर लेंगे लेकिन जीरो नहीं ले सकते, इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन बनेगा वो ये वाला सेट बनेगा आर माइनस जीरो, क्योंकि जीरो तो ले नहीं सकते यहाँ पे, एक्स की वैल्यू जीरो ले नहीं सकते, तो इसलिए डोमेन में एक्स नहीं ले सकते, एक्स की वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकते, तो इसलिए डोमेन का जो सेट बनेगा सारे रियल नंबर में से जीरो को छोड़ के, तो आर माइनस जीरो इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। तो अभी इसका अभी ग्राफ निकलते हैं, चलो वन अपॉन एक्स का कैसे आता है, तो वन अपॉन एक्स का ग्राफ निकालो, यहाँ पे एक्स ले लो, यहाँ पर वाई लेते हैं ठीक है ना, और यहाँ पे एक्स वाई आ जाएंगे आपके, हाँ कंप्लीट करो अभी, वन अपॉन एक्स है वो, वन अपॉन एक्स, तो ये जो हो गया आपके एक्स वाई हो जाएंगे। तो अभी बताओ मुझे कौन कौन से वैल्यू ले सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सपोज माइनस टू लेता हूँ, माइनस टू लेता हूँ तो कितना आंसर आ जाएगा, वन अपॉन माइनस टू, तो ये कितना होगा, माइनस 0.5 हो गए ना, माइनस 0.5 माइनस हाफ, एक्स के बदले में माइनस टू रखो तो ये आंसर कितना होगा, माइनस 1/2, माइनस आधा हो गया, तो पॉइंट कौन सा होगा, माइनस टू माइनस 0.5, ये एक पॉइंट हो गया। अगर माइनस 1.5 लेता हूं मैं, वन अपॉन माइनस 1.5 तो कितना होगा, 0.67 होगा, माइनस 0.67 हो जाएगा, माइनस 1.5 अपॉन माइनस 0.67 हो जाएगा ठीक है। अगर माइनस वन लेता हूं मैं तो माइनस वन ही आएगा, वन अपॉन माइनस वन तो माइनस वन ही रहेगा।
-0.5 ले लो, -0.5, यहाँ पे 0.5 ले, -1.5 लिया था, अभी -0.5 ले लो तो -2 आएगा, -0.5 और -2 आएगा, है ना। 0.25 ले लो, 0.2 मीन्स 1/4, तो 1/4 तो 4 बनेगा, सो 4 बनेगा, तो 0.25 और 4, तो ये सारे अलग अलग आप कुछ पॉइंट्स निकाल लीजिए और फिर जो है उसका ग्राफ निकालिए। तो आप इस ग्राफ को ट्राई करो, ग्राफ पेपर पे आप इसका ग्राफ निकालो, ग्राफ पेपर हो गया ना आपके पास में, तो उस पर आप इसका ग्राफ निकाल लीजिए। तो वो जो ग्राफ आएगा आपको, ये देखिए ऐसा ऐसा आएगा, और इधर भी ऐसा ऐसा आएगा। आप ये दोनों, ये जो पॉइंट से इसको ड्रॉ करो, इस पर ग्राफ पेपर पे, आपके पास में ग्राफ पेपर होगा ना, ये वाले जो पॉइंट से अलग अलग पॉइंट्स ले लीजिए आप, लोकेट कर लीजिए, फिर इसको इजीली ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शन 1/x, 1/x का। यहाँ पे y की निगेटिव भी वैल्यू मिलती है, निगेटिव के लिए निगेटिव वैल्यू मिलती है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। पॉजिटिव x के लिए पॉजिटिव आंसर मिलता है, y इक्वल्स टू 1/x, x पॉजिटिव रखा तो y पॉजिटिव रहेगा, x निगेटिव रखा तो y निगेटिव रहेगा, इसलिए निगेटिव के लिए निगेटिव पॉइंट्स तो ऐसा ग्राफ, पॉजिटिव x के लिए पॉजिटिव y तो ऐसा ग्राफ आएगा। हाँ, तो दिस इज ए ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शन 1/x, समझ में आ गया। हेलो, हाँ, चार, ओके ओके, चार हो गया। आप इसको ग्राफ पेपर पे निकाल लीजिए। देख, फिफ्थ है, पांचवा जो है हमारा मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये मॉड की वैल्यू ऐसे लिखते हैं, मॉड है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मॉडुलस फंक्शन। द फंक्शन आर, द फंक्शन यस, फंक्शन कौन सा हमारा, यफ है, रियल नंबर टू रियल नंबर के सेट पर वो डिफाइंड है, डिफाइंड, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड एक्स है, हमेशा मॉड एक्स में हमेशा पॉजिटिव आंसर, फॉर ईच, मॉड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव आंसर आपको लेना है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे एक्स आप कोई भी रियल नंबर रखो, नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, ठीक है ना, इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, इज कॉल्ड मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन, दिस इज कॉल्ड द मॉडुलस फंक्शन फॉर ईच नॉन नेगेटिव, फॉर ईच नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव, जीरो को, जीरो और जीरो के आगे के नंबर्स, नॉन नेगेटिव, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का जो आंसर होगा इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स, बताता हूँ मैं कैसे होता, तो बट फॉर नेगेटिव वैल्यूज, बट फॉर नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज के लिए ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जो होगा द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी इज नेगेटिव, एक्स की वैल्यू उसमें, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, ओके। तो यहां पर देखिए मॉडुलस फंक्शन, एक मिनट देखो, यहां पे फंक्शन मेरा ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है ना, मॉड एक्स का क्या मतलब होता है कि ये जो अंदर का एक्स होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कब होगा, नॉन नेगेटिव नंबर्स रियल नंबर, अगर एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही, तो मॉड एक्स एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स, ठीक
फिर अंदर का चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव रहेगा एक्स, तो ये पॉजिटिव कब हो सकता है, अगर 0 या 0 से बड़ा है तो वो एक्स रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आंसर तो उसका एक्स ही है, पॉजिटिव आएगा इसका आंसर। अगर ये -2 भी है तो आंसर 2 ही लेते हम, -0.5 भी है तो आंसर 0.5, आंसर तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अंदर की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, अंदर की वैल्यू ये नेगेटिव रहेगी कब, ये -x रहेगी कब, x अगर 0 से छोटा है तो। यहाँ का x अगर 0 से छोटा है तो इसका मतलब ये जो x है वो नेगेटिव है, अगर वो 0 या 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये जो x है पॉजिटिव है x, ठीक है ना। अभी इसका हम ग्राफ निकालते हैं, इसका ग्राफ निकालो। सपोज यहाँ पे x लेता हूँ मैं, y लेता हूँ, f यहाँ पर एक्स वाई लेता हूँ, एक्स वाई। तो देखो यहाँ पे -1 रखो तो -1, मॉडुलस ऑफ माइनस हमेशा पॉजिटिव आंसर होता है तो 1 ही होगा, तो पॉइंट होगा -1 1। -2 रखो तो 2 ही रहेगा, -2 2 रहेगा। 0 रखो तो 0 रहेगा, 0 0। 2 रखो तो 2 ही होगा, पॉजिटिव रखा तो पॉजिटिव रहेगा तो 2 2 रहेगा। 1 रखो तो 1 ही रहेगा तो 1 1, है ना, इस टाइप के। तो 1 1 2 2 0 0, -1 -1 -2 -2। वाई कोऑर्डिनेट लेकिन हमेशा पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है इसलिए देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, यहाँ पर 1 2 3 4, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। 0 रखा तो 0 रहेगा, 0 0। -2 रखा तो 2 आता है, -2 रखा तो भी 2 ही आता है ये वाला पॉइंट। -3 रखा तो, -3 अगर रखते तो 3 ही आएगा, -3 के लिए 3 ही आएगा, -1 के लिए 1 ही आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। 1 के लिए भी 1 आएगा, 2 के लिए भी 2 आएगा, 3 के लिए भी 3 ही आएगा, 4 के लिए 4 आएगा, इस टाइप का। तो ये जो आपका ऐसा ग्राफ बन रहा है, ऐसा ये वाला y कोऑर्डिनेट इस पर और इस पर हमेशा पॉजिटिव ही है, उसका मॉड x का आंसर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं हम, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। अंदर का x नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन y कोऑर्डिनेट इस ग्राफ पर हमेशा पॉजिटिव है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया आपका। इसमें पॉइंट कौन से आते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, आइडेंटिटी फंक्शन यहां तक 0 0 तक, फिर -1 1, -2 2, -3 3, हमेशा पॉजिटिव। तो इस तरह से हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ निकाल सकते हैं। ओके नेक्स्ट, ये समझ में आएगा। हेलो, हाँ आता क्वेश्चन नंबर 6, छठवें नंबर का ग्राफ देखो। सिग्नम फंक्शन अलग अलग नाम है, इसको आप याद रखना है। देखो पहला कौन सा देखा हमने, आइडेंटिटी फंक्शन है ना, दूसरा कौन सा देखा रे, कांस्टेंट फंक्शन, फिर कौन सा देखा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर कौन सा देखा है, रैशनल फंक्शन, फिर कौन सा देखा है, मॉडुलस फंक्शन, अब कौन सा है, सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन भी लिख लीजिए, द फंक्शन, द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स का जो आंसर होता है हमेशा 1 होता है अगर एक्स आपका 0 से बड़ा है तो, 0 होता है अगर एक्स इक्वल टू 0 है तो, इसका आंसर एफ ऑफ एक्स का माइनस होता है अगर एक्स लेस देन 0 है तो। तो इसके जो वाई कोऑर्डिनेट से 3 ही है, एफ ऑफ एक्स का आंसर हमेशा आपको 3 ही पॉइंट मिलते हैं, या तो 1 मिलेगा, या तो 0 मिलेगा, या तो -1 मिलेगा, 3 ही पॉइंट्स मिलेगा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ पे 0 है, ये एक्स, एक्स 0 से बड़ा कोई भी एक्स रखो आंसर +1 ही होगा, 0 से छोटा कोई भी नंबर रखो लेस देन 0 आंसर इसका -1 ही होगा, और 0 रखो तो 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे रेंज में, इसका रेंज जो है
इस फंक्शन का 1 माइनस 1 0 तीन ही नंबर है, 1 माइनस 1 और 0 यही आंसर आएगा। कोई भी रियल नंबर लिखो, लेस देन 0 रखा तो माइनस 1, ग्रेटर देन 0 रखा तो प्लस 1, 0 रखा तो 0 आंसर। हाँ, तो ये तीन ही आंसर रहेंगे, तो इसका रेंज में तीन ही नंबर आएंगे, तीन नंबर को छोड़ के कोई नंबर नहीं आता है यहाँ पे। हाँ, इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन, इसको कहेंगे हम सिग्नम फंक्शन। द डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन इज आर, द डोमेन, इसका जो डोमेन होगा ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो में सारे रियल नंबर आ गए। डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स की वैल्यू इज कैपिटल आर, कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। एंड रेंज इज कौन सी रेंज है, माइनस वन है, जीरो है, वन है, यही तीन नंबर इसके आंसर आते हैं। तो रेंज का जो है सेट ये वाला बनेगा। तो अब इसका अगर हमको ग्राफ निकालना है, इसका ग्राफ निकालते हैं, जस्ट ए मिनट, हाँ इसका ग्राफ निकालते हैं। ठीक है, ये आपका जीरो, अभी जीरो से बड़ी, यहां पर देखो जीरो के लिए जीरो आंसर है, जीरो के लिए एक्स इक्वल जीरो है तो वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो, तो ये वाला पॉइंट है जीरो जीरो के लिए। उसके बाद जीरो, यहाँ पे वन है सपोज और यहाँ पे माइनस वन है वाई कोऑर्डिनेट, तो उसके बाद में कोई भी नंबर ले लो, इधर कोई भी नंबर ले लो तो आंसर वन ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 1 ही होगा, लेकिन 0 के लिए 1 नहीं होगा, इसलिए यहां पे सर्कल दे दो, सर्कल 0 के लिए 1 नहीं है इसलिए यहां पे सर्कल, लेकिन 0 से बड़े के लिए फिर y कोऑर्डिनेट 1 ही है। वैसे ही 0 के लिए माइनस 1 तो नहीं है, माइनस 1 पॉइंट नहीं है, इसलिए यहां पे सर्कल दे दो, और बाकी लेस देन 0 के लिए फिर माइनस वन ही है, लेस देन जीरो के लिए जो है ये माइनस वन है। वाई कोऑर्डिनेट इस पर देखो, ये एक्स वाई, इस पर वाई कोऑर्डिनेट माइनस वन रहेगा, इस पर वाई कोऑर्डिनेट प्लस वन रहेगा, तो एक्स इक्वल टू कोई भी ग्रेटर देन जीरो वैल्यू ले लो तो वाई इक्वल टू प्लस वन रहेगा, एक्स इक्वल टू लेस देन कोई भी वैल्यू ले लो तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस वन रहेगा, और जीरो ले लो तो जीरो। तो इसलिए यहाँ पे सर्कल करना है, सर्कल का मतलब एक्सक्लूडिंग वन, यहां पर माइनस वन को छोड़ के, है ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द सिग्नम फंक्शन, इस तरह से सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, तो ठीक है, अभी लास्ट रह गया हमारा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें भी वो भी ले लेते हैं, समय हो गया क्या आपका? हेलो, लास्ट वाला देखता, बस सेवन नंबर का हो गया फिर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा बता दे, इस टाइप में बॉक्स करना है ऐसा, दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। x यहां पर आप कोई भी ले लो, x बिलोंगिंग्स टू r हमेशा। एज्यूम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर, एज्यूम द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। सच ए फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, देखो
अगर यहाँ पर ये आपकी रियल नंबर लाइन है, ठीक है, 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर है -0.5 भी है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का इंटीजर लेना है। इसका आंसर जो रहेगा, अभी -0.5 यहाँ पर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में -1 है, तो इसका आंसर -1 लेना है। अगर यहाँ पे -1.5 है तो -1.5 यहाँ पर आएगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर है, -2 है। अगर यहाँ पे 0.5 है, 0.5 है, 0.5 यहाँ पर आएगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर है, 0 है, तो इसका आंसर 0 होगा। अगर यहाँ पे 1.5 है, 1.5 यहाँ पर आएगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर है, तो 1 है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड का इंटीजर आपको लेना है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स की वैल्यू ये -1 ही होगी, कब होगी, अगर -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 0। ये -1 होगी वैल्यू कब होगी, अगर ये एक्स जो है ये 0 से छोटा और ये -1 से बड़ा होगा, या इक्वल टू, अगर इक्वल टू है -1 तो फिर -1 ही रहेगा, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2.1 है तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीजर 2 होगा। अगर यहाँ पे 1.9 है तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 होगा। अगर यहाँ पे -1.9 है तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर -2 होगा। ये बात समझ में आई क्या? हेलो, हाँ, तो ये इस तरह से उसका आंसर होता है। तो यहाँ पे तो अगर आपका एक्स 0 से छोटा, -1 या -1 से बड़ा है, तो इसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का आंसर -1 ही होगा। यहाँ का आंसर 0 होगा हमेशा। 0 कब होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये जो 1 है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा, या 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे 1, इसके बीच में अगर आपका x है, 1 से छोटा, कि 1 होगा तो 1 आंसर होगा, 1 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा, तो इसका आंसर 0 होगा, ठीक है ना। उसके बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का आंसर 1 होगा। 1 कब होगा, फॉर 1 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन 2, 2 से छोटा होगा, यहाँ पे 2, 2 से छोटा नंबर कोई भी रियल नंबर ले लो, और 1 या 1 से बड़ा इसके बीच में का, तो इसका आंसर 1 ही होगा। सो आंसर विल बी 1। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी बस सिंपल ग्राफ निकाल लेते हैं, हो गया। अभी एक मिनट, वेयर इज माय स्केल। ओके, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस, यहाँ पे 1 2 3 4, 0 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अभी देखो यहाँ पर 1 1 और 2 इसके बीच में, 1 के आगे लेकिन 2 से छोटा, तो 1 के लिए तो 1 आंसर होगा, ये y क्वाड्रेटिक बढ़ो, 1 के लिए 1 होगा, और 2 से लेस देन, 2 के लिए 2 नहीं होगा, तो यहाँ पे सर्कल दे दो, ये ऐसा 1 होगा, ऐसा आंसर होगा, इसके बीच में के लिए आंसर 1 ही होगा, 2 के लिए 2 नहीं होगा, 2 के लिए तो 2 के लिए 1 नहीं होगा, तो 2 के लिए 2 होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये 2 आता है, यहाँ पे डार्क दे दो। फिर 3 के लिए 2 नहीं होगा, तो यहाँ पे सर्कल दे दो, बाकी सारे के लिए, इसके बीच में के वैल्यू के लिए 2 ही होगा। 3 के लिए 2 नहीं होगा, 3 के लिए 3 होगा, तो यहाँ पे डार्क दे दो, और फिर 4 से नीचे के सारे वैल्यूज के लिए 3 ही होगा, लेकिन 4 के लिए 3 नहीं होगा, सर्कल दे दो, ठीक है ना। वैसा ही नीचे भी आ जाएगा, 0 के लिए -1 नहीं होगा, लेकिन 0 से लेकर -1 तक आंसर -1 ही होगा, -1 के लिए भी 1 ही होगा, तो -1 के लिए -1 ही होगा, और इसके बीच में के सारे के लिए -1 होगा। 0 के लिए 0 होता है, 0 के लिए -1 नहीं होता, तो यहाँ पे ऐसा सर्कल देना है। यहाँ पर -2, यहाँ पर भी देखे -2 के लिए -2 होगा, -2 के लिए -2 तो होगा, -2 के लिए देखो, -2 के लिए -2 होगा, -2 है ना, लेकिन -1 के लिए -2 नहीं होता, तो यहाँ पे सर्कल आएगा, ऐसा आ जाएगा।
सो इस टाइप का, जैसे यहाँ पे देखो भी 5 लेता हूं मैं, यहाँ पर ये 5 है, 4 के लिए 3 नहीं है, 4 के लिए 4 आता है, तो यहाँ पे डार्क आएगा, डार्क 4 के लिए 4 आता है, और 4 के 4 से लेके 5 तक सारे वैल्यू के लिए 4 ही आएगा, लेकिन 5 के लिए 4 नहीं आता तो यहाँ पे सर्कल आएगा। समझ में आ गया इस टाइप? हाँ, तो ये जो ग्राफ है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। ओके, तो यहां रुक जाएंगे हम, ठीक है।